चलो जल्दी निकलें, लेट्स लीव अर्ली, चलो जल्दी निकलें, लेट्स लीव अर्ली, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, लीव इट टू मी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, लीव इट टू मी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। कृपया मेरे लिए एक संदेश छोड़ें, लीव मी ये मैसेज प्लीज़, कृपया मेरे लिए एक संदेश छोड़ें, लीव मी ये मैसेज प्लीज़, इसे छोड़ो, लीव इट, इसे छोड़ो, लीव इट, हम डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस का बहुत यूज़ करते हैं। कृपया 5 और 6 के बीच निकलने की योजना बनाएं, प्लीज़ प्लान टू लीव बिटवीन 5 एंड 6, कृपया 5 और 6 के बीच निकलने की योजना बनाएं, प्लीज़ प्लान टू लीव बिटवीन 5 एंड 6, हो सकता है कहीं कोई घूमने जा रहा हो या फिर ऑफिस से निकलने के लिए, कि आप 5 या 6 बजे के बीच ही निकलें, इस तरह के सेंटेंस भी हम यूज़ करते हैं। टीवी चालू न छोड़ें, डोंट लीव द टीवी ऑन, टीवी चालू न छोड़ें, डोंट लीव द टीवी ऑन, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। आज इस वीडियो हम प्रैक्टिस करेंगे लीव वर्ब्स की फॉर्म के, सारे वर्ब्स की फॉर्म को देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के थ्रू। लीव का हिंदी मतलब होता है किसी स्थान का त्याग करना, छोड़कर चले जाना या फिर छोड़ना। फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक बेस फॉर्म लीव, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, SES फॉर्म लीव्स, ING फॉर्म लिविंग। लीव वर्ब का हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे पास कुछ नहीं बचा, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा, आई हैव नथिंग लेफ्ट, इस तरह के सेंटेंस भी हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। क्या मैं एक संदेश छोड़ सकता हूँ, कैन आई लीव ए मैसेज, क्या मैं एक संदेश छोड़ सकता हूँ, कैन आई लीव ए मैसेज। आइए उसे अकेला छोड़ दें, लेट्स लीव हर अलोन, आइए उसे अकेला छोड़ दें, लेट्स लीव हर अलोन। आप कब छोड़ने जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू लीव, आप कब छोड़ने जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू लीव, आप इस तरह के भी सेंटेंस कर सकते हैं कि आप ये डोनेशन के जितने भी पैकेट्स हैं ये कब छोड़ने जा रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आप रेलवे स्टेशन कब छोड़ने जा रहे हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। मैंने उससे बाइक छोड़ने को कहा, आई टोल्ड हिम टू लीव द बाइक, मैंने उसे बाइक छोड़ने को कहा, आई टोल्ड हिम टू लीव द बाइक। क्या ट्रेन समय पर रवाना होगी, विल द ट्रेन लीव ऑन टाइम, क्या ट्रेन समय पर रवाना होगी, विल द ट्रेन लीव ऑन टाइम, इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बहुत यूज़ करते हैं, इसलिए आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। उसने मुझे छोड़ दिया है, ही हैज़ लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया है, He has left me, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।